तो देखिए, अभी सारे लोग लगे हुए हैं पपीता खाने में। भैया आप भी देख लीजिए, आपसे कोई नहीं छीनेगा। भाई हम कोई लोग हैं? व्हाट डू यू मीन? हाँ जी, लोग ही हैं, लोग इंसान हो ना आप, तो इंसानों को लोग भी बोलते हैं। ऐसा बोलना बच्चे और पति। बच्चे और पति की जगह एक, जब एक शब्द ने ले ली तो जरूरी है इतने डिटेल में जाके बोलना है। आज से मैंने खाना स्किप कर दिया है, मैं बस फ्रूट और ओट्स ही खाया करूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। और मेरे को देना उस। मैं क्या करूं, मतलब मैं भी स्किप करूं कि क्या तेरी सिखला मर्जी है? भाई, तेरा शरीर है। अच्छा, आपको कहाँ से मिला इतना ज्ञान? एक्चुअली फिर ना पता क्या, कल को प्रॉब्लम बढ़ जाए ना, उस प्रॉब्लम का इलाज यही है कि खान पान चेंज कर लो बस। अच्छा, तब ठीक है, मतलब डिनर दवाई स्किप। खा, कोई उससे कोई फायदा ही नहीं होता। आप कितनी दवाइयां खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता पाइल्स पर। परहेज सही है। परहेज चाहिए। अच्छा, तब ठीक है। और मिठू, तनिक आप हाथ से पकड़ते, इसको तो ज्यादा अच्छा रहता बेटे। ऐसा है, गिर गया तो ना, ओट्स बना दो हमारे लिए ना। पहले इसको तो खा लो। मैं नहीं बनानी अरे कल है संडे ना, आपके लिए रोटी है, सब्जी है, दाल है, फिर पत्ता भी खाऊं गोभी की तेरा ओट्स? सब्जी और मूंग की दाल, ओट्स खाओगे? हाँ जी, खा लो, ओट्स कोई के नहीं, बराबर है सब तू। मैंने खाओ खाओ सारे, मैं सबके लिए बना, तुम बना हाँ, दूंगी। अभी धनिया को खाऊंगा मैं, चाट ठीक मसाला है, वगैरह सब कुछ एक से डाल पहले खा के। ठीक है जी। कैमरा के चक्कर में मेरे बच्चों ने भी एक एक पीस खा लिया। जैसे ही कैमरा ऑफ, ले जी ये भी कोई खाने की चीज़ है, कुछ और लेके आओ। फिर उसके बाद उठा करके लेके आ गए कैरन बोर्ड। और फिर जी भाई, यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि कौन किसकी पार्टी में होगा, मतलब पार्टनर चूज कर रहे थे। तो जी मिट्टू और पापा हो गए कि हम तो जेंट्स, जेंट्स एक साइड, लेडीज़ लेडीज़ एक साइड। शान भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा जो गेम है वो इतना अच्छा है नहीं, तो इसको पहले ही हो गया कि अच्छा मम्मी तो हारने वाली है, तो हारने वाली टीम में तो मैं शामिल हो नहीं सकती। तो बस यही हमारा लड़ाई झगड़ा चला हुआ था इधर। और फिर आजकल मैंने शाम को ना, हम घंटा भर बच्चों के साथ ये ज़रूर खेलते हैं, जैसे कैरम बोर्ड या कुछ और कोई गेम, या फिर इनको पढ़ा रहे होते हैं। तो खैर पढ़ाई तो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ भी ये एक ऐसा टाइम होता है ना जब हम आपस में मतलब अच्छे से खुल के, मतलब बच्चों के साथ भी बातचीत होती है और आपस में भी हम बच्चों की तरह ही लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा टाइम होता है इस टाइम पे जो कि हम सब साथ में स्पेंड करते हैं। और बाकी पूरा दिन भर आपको पता ही है कि मैं भी अपने घर के कामों में, अपने बाकी की चीज़ों में बिज़ी होती हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई औरतों का ही काम होता है काम करना घर का, तो ऐसा भी नहीं है महाराज। घर जब सबका होता है ना, तो घर के काम भी सब डिवाइड कर सकते हैं, एक ही बंदे के। मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि ये जो सोच होती है ना, ये इससे थोड़ा सा हट के हमें सोचना चाहिए कि लेडीज़ का ही काम नहीं होता। अगर सब थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं तो काम आसान हो जाता है और लेडीज़ भी बेचारी थक जाती है पूरा दिन भर। चलिए, उसके बाद फिर अभी बहुत सारी लड़ाई झगड़ा और गेम खेलने के बाद इनको फिर से लग गई थी भूख, तो रोटी भी थी, सब्जी पत्ता गोभी की मैंने थोड़ी सी बनाई थी, दाल चावल भी बचे थे दिन के, तो वैसे ही मतलब मिक्स करके हमने खा लिया। और ये फिर कुछ ये सफोला ओट्स लेकर के आए थे, मतलब इसमें सारा कुछ मसाला वगैरह होता ही है ना सारा, बस बॉयल पानी में आप इसको डालो और 2 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाता है। तो फिर मैं क्या, चलो थोड़ा सा मैं ये भी बना ही लेती हूँ, तो सबको फिर इसकी भी एक एक कटोरी दे दूंगी। तो हमने तो आज से वैसे सोचा है कि स्किप कर देंगे डिनर, ऐसी कुछ चीज़ें फ्रूट्स या फिर ये ओट्स वगैरह खाया करेंगे रात के टाइम पे। बट वही बात है कि सोचते तो हम बहुत है ना, लेकिन रेगुलरली कर नहीं पाते हैं। अगर रेगुलरली कर पाए ना। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है संडे और अच्छी खासी धूप लगी हुई है, और ये मैडम ने सुबह सुबह कपड़े धो दिए हैं, और इसके बाद अब इनको सुखोने सूखने की तैयारी की जा रही है। और मैडम क्या हाल है आपके? क्या बस महाराज, अब आप ही के ख्याल जल्दी है? जल्दी जल्दी अपना काम पे ध्यान दें। अच्छा, तो आज मतलब संडे है, तो कुछ स्पेशल डिशेस बनाओगे? बिल्कुल, आप जो बना देंगे ना। अरे मेरे ऊपर क्यों पड़ी है यार भाई, आप तो है अच्छी डिश बनाने के राजा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आज आज आप बना देंगे वो हम खा लेंगे। आज वैसे भी संडे है, और जो भी डिश बनेगी वंदना की पसंद नहीं की नहीं बनेगी, मैं वंदना ही बनाएगी आप भाई। बनाओ ना, जो भी बनाना है मैं बाद में आपको पतरोड़ बना दूंगी। ये पत्ते वो रखे हैं वहाँ नीचे ना क्यारी में, ये पता नहीं क्या। हाँ यार, दो तीन, हाँ एक आधा ही बन जाएगा था मिठी का। हाँ बताइए, इतने गर्म आना गुजार।
हाँ हाँ ये तो ठीक है यार, अगली बार खुद वो यहाँ लेके आएंगे और बोएंगे। हाँ यस मैडम, आपके तो क्या कहने हो, देखो पत्रोड़े के पत्र लगे से थे, ये देखो मैं जूम करके दिखाऊंगा। ठीक है मैडम, ठीक है, क्या बात है मैडम, क्या बात है। मैंने भिंडी भी उगाई है, जब लोगों की भिंडियाँ खत्म हो जाएंगी ना तब देखना इनमें भिंडियाँ लग पड़ेंगी। ये एक तो ये बड़ी भी हो गई, अब इसको आप निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। तो आज है संडे और अच्छी खासी धूप लगी हुई है, और ये मैडम ने सुबह सुबह कपड़े धो दिए हैं, और इसके बाद अब इनको सुकोने सूखने की तैयारी की जा रही है। और मैडम क्या हाल है आपके, बस क्या आप ही के ख्याल है, जल्दी जल्दी अपना काम पे ध्यान दें। अच्छा 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 अच्छा, तो आज मतलब संडे है तो कुछ स्पेशल डिशेस बनाओगे? बिल्कुल आप जो बना देंगे ना। अरे मेरे ऊपर क्यों पड़ी है यार भाई, मेरे तो अच्छी डिश बनाने के राजा। नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज आज संडे, आज वैसे भी संडे है, और जो भी डिश बनेगी वंदना की पसंद की बनेगी, वंदना ही बनाएगी भाई। ये पता नहीं क्या, हाँ यार दो तीन, हाँ एक आधा बन जाएगा था मिठी का। हाँ हाँ ये तो ठीक है यार, अगली बार खुद वो यहाँ लेके आएंगे और बोएंगे। हाँ यस मैडम, आपके तो क्या कहने हो, देखो पत्रोड़े के पत्र लगे से थे, ये देखो मैं जूम करके दिखाऊंगा। ठीक है मैडम, ठीक है, क्या बात है मैडम, क्या बात है। मैंने भिंडी भी उगाई है, जब लोगों की भिंडियाँ खत्म हो जाएंगी ना तब देखना इनमें भिंडियाँ लग पड़ेंगी। ये एक तो ये बड़ी भी हो गई, अब इसको आप निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि मौसम जो है आज पूरा दिन भर धूप छाई रही, तो कपड़े भी हमारे बहुत ही अच्छी तरह से सूख गए। और बाकी अभी तो आप देख सकते हो उस वाली पहाड़ी में थोड़ा थोड़ा सा है कि धूप दिख रही होगी, बाकी सूरज अभी ढल चुका है। इधर को तो हो गया है भाई, अब ढल गया सूरज और शाम हो गई। और मैडम क्या हाल है, बस जी आपके क्या। और एक्सरसाइज कर ली? बिल्कुल, एक्सरसाइज करती बार आज मेरे साथ हादसा हो गया, अब क्या करूं मैं, अब ना मेरे से ना बिल्कुल भी हिला ही नहीं जा रहा है। नहीं घुमाने की जरूरत नहीं, अभी मैं बुरे हाल से टूट चुकी हूं ना, मतलब अचानक से पता नहीं क्या हुआ ना, डिसबैलेंस हुआ थोड़ा सा, और फिर मेरी पीठ अब खड़ी नहीं हो पा रही है, अब क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चल कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा यार। ट्राई किया मैंने कि दोबारा मैं फिर से एक्सरसाइज कर रही हूँ, अब दो तीन दिन तो शायद लग जाएंगे, पता नहीं अब क्या होगा, बड़ी बुरी हालत हो रखी है अभी मेरी। पर चलो मैं हिम्मत नहीं आती, जैसे जैसे होता है ना वो बोलते हैं ना कि जिस तरह से वो लगी है ना मेरे को, वैसे ही नस पलट गई कि क्या हो गया, बहुत बुरी हाल। चलिए आप सुनाइए, आप क्या बोलने वाले थे यार। मैं बड़े तो खुश नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या खुशी मिल गई देखो आपको? मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ, और जब अच्छी खुशखबरी आती है तो मैं और खुश हो जाता हूँ। ठीक है, खुश होना अच्छी बात है, ठीक है। जितना आप खुश रहोगे ना, उतनी अगर आपको कोई मुश्किल भी होगी या कोई प्रॉब्लम भी होगी या कोई, तब भी आप उस प्रॉब्लम को भूल जाओगे। और ऐसा है ना जनाब, पीछे भी मैंने कमेंट पढ़े थे कि आपके प्रवचन नहीं सुनने हैं ना, आप जल्दी अपनी खुशी का राज बताएं। और मैं पीछे पीछे इसलिए हट रही हूँ ना, पीछे वो बादल देखिए बड़ा प्यारा लग रहा है, तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये देखो प्रवचन की बात नहीं आप होती पे है। मैं कोई इतनी खुशी सुनो, मैं कोई प्रवचन नहीं बोलता, मैं कोई संत नहीं हूँ मैं, ठीक है। क्या किसी पार्टी का लीडर नहीं हूँ, लीडर नहीं हूँ, मैं किसका पड़ोसी हूँ। हाँ ठीक है, किसका पड़ोसी है? किसी का नहीं है। नहीं, किसका नाम लिया? मैंने अपने जो हमारे यहाँ के सांसद हैं उनका नाम लिया, कंगना रनौत। अच्छा जी, कंटिन्यू रखिए आप। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो हर जगह का अपना अपना सिस्टम होता है, टाइम होता है, तो मैं प्रवचन तो वैसे भी देता नहीं हूँ। मैं बात करता हूँ जो होने वाली है, मतलब जिसमें कोई लॉजिक होता है, तो बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, कितना लॉजिक लगा रहा है। ठीक है, अब मैं किसी की बात सुनता हूँ तो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ कि यार इस बंदे ने ये लॉजिक बोली तो इसका बेस क्या था। मैं कभी इग्नोर नहीं मारता हूँ उस चीज को। अच्छा ठीक है, खुशखबरी अभी भी मुझे फोन आया। देखो और तो मुझे किसने गिरने, मेरे पता क्या है, मेरे जैसे होते हैं ना फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है मेरा, जाने वाले जाने वाले,
ठीक है, तो खुशखबरी है तेरे घर से यार, बधाइयां हो वंदना, कांग्रेचुलेशन। अच्छा अच्छा, नहीं वो मैंने भी देख लिया था वीडियो, आप टेंशन क्यों, मतलब ऐसे घुमा फिरा कि कैसे बात कर रहे हो, नन्ना मेहमान आया है, हद कर देते हो आप भी ना, आपने तो मेरे को ही सस्पेंस में डाल दिया, मैंने सोचा इनको पता नहीं कौन सी खुशी मिल गई, क्या हो गया, इनका कहाँ से फोन आ गया, देखो कितना घुमा फिरा कर, फिर बोलते हैं मैं तो टू द पॉइंट बोलता हूँ, ये है टू द पॉइंट, आप सीधा बोलिए कि भाई मेरे मायके से खुशखबरी आई कि उनके घर में, एक्चुअली मेरे मायके में ना मम्मी काफी जो भैंस थी ना उनकी, वो भी बच्चा छोटा सा बच्चा पाला था उन्होंने, तो वो बड़ी होगी, तो आज अगर उसको ऐसे जैसे बच्चा हुआ है ना, तो अगर उसको अभी उसकी कीमत कम से कम 1 लाख से ऊपर है, हाँ देखा, वो 1 लाख की एफडी होगी तेरी मम्मा, वही बात है, देखो मेहनत, देखो मेहनत, देखो पैसे कमाने के लिए मेहनत लगती है, बहुत सारे जरिए होते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि नौकरी से ही पैसे आते हैं, ठीक है, तो बस मेहनत हर 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 जगह मेहनत लगती है, देखो अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो इसमें भी मेहनत है, कितनी मेहनत, ऐसा नहीं है कि हाँ भी बोलना भी एक मेहनत है, शूट करना एडिट करना वो भी एक मेहनत है, आर्ट एक कला, ठीक है, अभी जो यूट्यूब ये भी हमारे लिए एक जॉब ही है, हाँ जी जी, नहीं आपकी जॉब से मैं बड़ी खुश हुई, अच्छा तो आप उस खुशखबरी के लिए इतना खुश हो, मैं तो सोच, चलो आप इतने खुश हो ही रहे हो ना, तो मैं देखिए मेरा भी फर्ज बनता है क्योंकि खुशखबरी मेरे मायके की तरफ से आई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका मुंह मीठा करूं, आपके लिए मिठाई लाऊं, कहां मिठाई है भी, तो बिल्कुल मैं आपके लिए अभी मिठाई लाती हूं, जी जी आपके लिए, अरे ये तो हमीरपुर की फेमस शॉप की मिठाई है, ओके बिल्कुल जी, आप खा के देखिए, तो सबसे पहले हम खा भी देती हूँ, देखो ये फैमिली के लिए भी है, आप भी खा सकते हो, हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, ये जो मिठाई है ना ये बेसन की मिठाई है और बहुत टेस्टी है, हमीरपुर की, आप भी खा सकते हो, हाँ जी बिल्कुल जी, क्योंकि हमारी ना, लेकिन हमारा वेट लॉस की जर्नी चली है ना, मैंने खाई है शाम को ना बहुत सारी, तो इसीलिए मैं ज्यादा वर्कआउट कर रही हूं, हमारा ये होता है ना यार कहीं से खुशी मिल जाए उसको सेलिब्रेट कर, सेलिब्रेट करना चाहिए, और हाँ, वही, तो, हाँ जी हाँ जी कीजिए आप सेलिब्रेट ना, वही मजा है जिंदगी का, जी बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी मैं फोन करता हूँ पापा को, भैया बधाइयाँ हो, हाँ जी जी ठीक है कि नया मेहमान आया आपके घर में, जी जी जी, तो फिर जी, अच्छा आप खुद ही कर देंगे, मतलब मैंने पूछना है ना वेट वगैरह कितना, अच्छा आपको वेट जानना है, फिर वेट कितने बजे, मतलब हर चीज ग्रह पूछे जाते हैं ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ जी हाँ जी, मैं थोड़ी ना आपको हंस रही हूँ कि भैया मजाक हो रहा है, मैं हंस रही हूँ, कमाल कर रहे हो आप, एक्चुअली मैं ना आपके फेस मतलब, और अभी एक और खुशखबरी आने वाली है, वो भी थोड़े दिन के बाद आएगी, हाँ जी उसके ऊपर भी आप फिर लड्डू खाएंगे, आपको तो बहाना मिलना चाहिए लड्डू खाने का ना, अब तुम्हें पता लग गया कौन सी खुशखबरी है, बस जी मुझे बहुत सारी खुशखबरियों की पता चल रही है, वही वही चलो, तो फिर मैं एक्चुअली मुझे जाना बाजार में ना, एक्चुअली संडे है, मैं ये मिठाई खा रहा था ना, तो खाते खाते बोलना नहीं पड़ता है ना, अजीब सी वो होती है कि आप सोचोगे क्या खा रहा है, चपड़ 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 चपड़, इसलिए मैं बड़ी जल्दी याद खा चुका हूँ, अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि देखो तो इसको बंद कर दें आप ना, क्योंकि रंगड़िया पे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है, क्योंकि पता है क्या है, हर बंदे की सोच अलग अलग होती है, अपनी अपनी सोच होती है, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें किसी को बोल नहीं सकते कि यार इसने ऐसा बोला यार, खा रहे थे बात कर रहे थे वो, तो इससे पहले जी हाँ जी जी हाँ जी, बोलने का मौका ही क्यों देना, अच्छा छाप मेरे ऊपर तंज कस रहे हैं, पर क्या करें, वही ना, पता क्या होता है ना, आदमी को टोकना चाहिए, अपनी गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं, तो मैं तो अच्छा मानती हूँ, अगर मुझे कोई किसी चीज़ के लिए टोकता है तो मैं बुरा नहीं मानती, और बाकी बस फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके नमस्कार।